बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और देश के राजनीति के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष जी, हमारे हिमाचल के को इंचार्ज डॉक्टर संदीप पाठक जी, और बहुत ही छोटे से एक सद्दे पर इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे नौजवान वीर मामा पैना बुजुर्ग सारा प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। हमीरपुर मेरे लिए नवा नहीं, हमीरपुर मेरे लिए नया नहीं, क्योंकि हमीरपुर में मैं कम से कम 3-4 बार मिंजर फेस्टिवल में एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म करता रहा हूं। वो होता ना ग्राउंड में मिंजर फेस्टिवल, कुल्लू का दशहरा, रकोंग पियो और शिवरात्रि जो शिवजी का बहुत बड़ा 7 दिन का मेला चलता है शिवजी महाराज का, मंडी में कोई भी ऐसा प्रदेश हिमाचल का ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पे मैंने आके परफॉर्म नहीं किया। और कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे हिंदी बोलनी चाहिए, लेकिन आगे से लोग कहते हैं पंजाबी 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 है सर, मैं डोगरी भी बोल सकता। जलंधर दूरदर्शन के प्रोग्राम चलता डुग्गर दर्पण। सो असी एक दूजे दे गुआंढी हाँ, असी भाई हाँ, ते देव भूमि है, ऋषियां मुनियां दी भूमि है। हमेशा सत्कार रहा इस भूमि का। मेरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष साहब बोल रहे थे कि जो दिल्ली में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, हिमाचल उसकी उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल सही है, जो दिल्ली में हुआ उसका असर पंजाब पर हुआ, अब दिल्ली और पंजाब में जो होगा उसका असर पूरे देश पर होगा। दही जिन्ना मर्जी जमाना होवे, भावे रिड़कना भर के जमाना होवे, पर जागदा तो एक चमचे चाहिए होंदा है। दिल्ली ने एक चम्मच जाग दिया, पंजाब में ईमानदारी का दही जमा लिया, अब दिल्ली और पंजाब 2 चम्मच आपको देंगे, हिमाचल में भी ईमानदारी का दही जमाओ। ईमानदारी का आप हर रोज अखबार में पढ़ते होंगे, अब तो लोग पंजाब के लोग जो हैं वो मतलब सुबह दोपहर शाम वेट करते रहते हैं कि अब सरकार का कौन सा फैसला आएगा जो हमारे पक्ष में होगा। 75 साल लेट हो चुके हैं, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, 5 साल। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठी गुलामी दी और बीजेपी और कांग्रेस वालों ने हमें 5-5 की किश्तों में दी, यही फर्क है बस। 5 तू 5 मैं, मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तू मुझे कुछ मत कहना। जनता क्या, जनता का क्या है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, आपके पास रास्ता नहीं था। पहले को
पहले से तंग आके दूसरे के पास, दूसरे से पहले से ज्यादा तंग आके फिर पहले के पास, शायद ये ठीक हो गया होगा 5 साल में, नहीं ठीक हुए होंगे। ऐसे पंजाब में था 5 साल 5 साल 5 साल। इस बार लोगों ने कहा तुम सब लोग जाओ, हमें कुछ नया तजर्बा करने दो। आपको हैरानी होगी, सुनकर हैरानी होगी कि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 साल की उम्र के हमारे पास 70 से ज्यादा MLA हैं। आम घरों के लड़के लड़कियां, जिसने मुख्यमंत्री चन्नी को हराया, वो मोबाइल रिपेयर शॉप पे काम करता है, आज भी उसकी मां सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी है, जिसने मुख्यमंत्री को हराया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, बाकियों में तो बारी नहीं आएगी। उनके यहां तो बेटा भतीजा साले जीजे पता नहीं कितने कितने तक चले जाते हैं, उधर नहीं बारी आएगी। आम घरों के आम घरां दे लोग मुंडे कुड़ियां नू आम आदमी पार्टी मौका। मैं कौन हूं कलाकार, चलो ठीक है, बहुत सारे मेथों भी बहुत फेमस कलाकार ने, पर मुख्यमंत्री सोचे नहीं सी कदे। ना मेरा कोई दादा, ना मेरा कोई चाचा कोई राजनीति च, मेरे डैडी टीचर सी, साइंस मास्टर सी, बद तो बदो मैनू साइंस मास्टर बना लेंदे, जा मैनू बीकॉम, है बीकॉम करता सी, मैनू मैनू किसी बैंक बुंक च ला लेंदे, ये तो बात नहीं। इन्हां दे धीआं पुत ही क्यों राज करन बई, तुसी क्यों ना राज करो। हजे तक मतलब 52-53 साल उम्र हो गई होनी राहुल गांधी दी, हजे तक भी यूथ का नेता है वो। हमारे बाप 50 क्रॉस कर जाएं उनको बोलते हैं बुजुर्ग। ये 53 साल के भी यूथ के नेता, क्या बात जी। क्या जवानी सिर्फ अखिलेश यादव पर ही आई, क्या जवानी सिर्फ राहुल गांधी पर ही आई, क्या जवानी सिर्फ मजीठिया पर ही आई, हम पर कोई जवानी नहीं आई। हमें भी जवान समझो। अब लोगों ने बताया कि क्या हाल होता है आपके यहां, गवर्नमेंट की फाइल है, गवर्नमेंट का रूल है, 37 साल के बाद एक दिन भी आप ऊपर होगी उम्र तो आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए ओवरएज हो जाते हो। और हमारे यहां 94 साल के प्रकाश सिंह बादल इलेक्शन लड़ते हैं, वो क्यों नहीं ओवरएज होते, ठेका ले रखा है क्या। पिप्पो व्या पत्या वे कादी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने रुत नवियां दी आई है। और सब तो बड़ी गल यह है कि रुत साड़ी आई है, असी उन्हां नूं जिताउंदे रहे, वह जितते रहे, असी हारते रहे, असी आप हार जांदे सी, जिन्हों असी हरा दिंदे उन्हों राजसभा भेज देंदे, चल तू राजसभा इधर दी। लोग कहिंदे कल तो हराया सी, इहदियां काहदियां वधाइयां, कहिंदे राजसभा च भेजता जी, हद है यार। पब्लिक दे मैंडेट दा तां तुसीं, आम आदमी पार्टी ने 7 पंजाब चों 7 राजसभा के मैंबर भेजे ने, पहली बार होया कि एको पार्टी के 7 ने, और 7 चों कोई भी इलेक्शन हारिया नहीं होया। स्पेशलिस्ट ने भज्जी हरभजन क्रिकेट वाला साडा MP, संत बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल वातावरण प्रेमी साडा MP, बिक्रम सानी पद्मश्री साडा MP, संदीप पाठक साडा MP, उत्थे वो बंदे भेजो
ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਉੱਥੇ ਹਾਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉੱਤਰ ਜਾਂਗੇ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੇ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੀਰਪੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਉਹ ਪੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਾ ਪੁੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਯਹਾਂ ਸੇ ਯੂ ਟਰਨ ਬਜਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆਤਾ ਥਾ ਸਰ, ਤੋ ਮੁਝੇ ਪੁੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਸੜਕੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਖੱਡੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਪੁੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਗੇ, ਕਲੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਜੱਜ ਲੱਗਣਗੇ, DFO ਬਣਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਹੇਵਰਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਆਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਟੀਚਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਾਪੀ ਪੈੱਨ ਘਰ ਪੇ ਭੂਲ ਆਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਟੋਰੀ ਔਰ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਖਾਣੇ ਜਾਤੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੋ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਹਮ ਦੁਪਹਿਰ ਮੇਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਤੇ ਹੈਂ। ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਆਤਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਪਏ। ਹਮ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਵੋ ਜਬ ਸਕੂਲ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਵੋ ਜੋਬ ਸੀਕਰਸ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਬਣੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਕੇ ਯੂਥ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਕੇ ਯੂਥ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਦਾਂਸੂ ਸੇ ਦਾਂਸੂ ਆਈਡੀਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਹਮੇ, ਹਮੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤੋ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਪੈਸੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਮਗਰ ਖਿਆਲ ਇਤਨਾ ਰਹੇ ਕਫਨ ਪੇ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਹਕੂਮਤ ਵੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਦਿਲੋਂ ਪਰ ਰਾਜ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਯੂ ਕਹਿਣੇ ਕੋ ਤੋ ਮੁਰਗੇ ਕੇ ਸਰ ਪੇ ਵੀ ਤਾਜ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, इनकलाब, वंदे। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, टीचर्स, पेरेंट्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में शिक्षा के बारे में बात करने आया हूं। नवंबर में चुनाव है हिमाचल प्रदेश के, ये चुनावी दौरा है। इस चुनावी दौरे के बीच में मैं आपसे शिक्षा के ऊपर बात करने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक भारत के इतिहास में, आज तक आप लोग हिमाचल प्रदेश में इतने दिनों से रह रहे हो, कोई पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, चुनाव के दौरान कभी आपसे शिक्षा पे बात करने के लिए आई क्या? किसी पार्टी ने आपको आके कहा जी हमें वोट दे दो, हम स्कूल अच्छे कर देंगे? किसी पार्टी ने आपको कहा कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देंगे? शिक्षा मुद्दा ही नहीं है लोगों के लिए। आज आप इतने सारे लोग हो, आप में से जरा हाथ उठा के ये बताना कि कितने लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं? कितने लोगों के? कई लोगों के हैं। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो? कितने लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हो? इसी से पता चल रहा है कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का क्या हालत है, मैं आप थोड़ा सा डेटा इकट्ठा कर रहा था। हिमाचल प्रदेश में 14 लाख बच्चे स्कूलों में जाते हैं। इन 14 लाख में से 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 5.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तो अधिकतर बच्चे 70-80% बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी गरीबी है, बेचारे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है हिमाचल प्रदेश के अंदर, आदमी के पास 2 पैसे आ जाए तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। भेजना चाहता है कि नहीं भेजना चाहता है? हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। रिक्शे वाला और मजदूर भी चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा, मजबूरी में आदमी सरकारी स्कूल में भेजता है। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और आज हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, इन 8.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। गलत तो नहीं कह रहा? 2000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर है, 8वीं तक स्कूल है, 5वीं तक स्कूल है, एक टीचर है। अब ये बताओ वो एक टीचर 5 क्लासेस को 8 क्लासेस को कैसे पढ़ाएगा? पढ़ा ही नहीं सकता। तो इन स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं है। वो पहली क्लास को पढ़ाएगा, वो दूसरी क्लास को पढ़ाएगा, वो तीसरी को पढ़ाएगा, सबको साथ बिठा के कैसे पढ़ाएगा एक टीचर? पढ़ाई हो ही नहीं सकती, इन स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है। तो सोचो इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, इन बच्चों का क्या कसूर? ये भी तो अपने भारत के ही बच्चे हैं, इनको कौन देगा शिक्षा? कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। 722 स्कूल ऐसे हैं, 722 स्कूल ऐसे जिसमें एक कमरा है, यह मैं हिमाचल प्रदेश की बता रहा हूं, एक कमरा है। उसी में पहली क्लास भी लगती है, उसी में दूसरी क्लास भी लगती है, उसी में तीसरी भी लगती है, उसी में चौथी भी लगती है, 5वीं तक की क्लास और कई कई तो 8वीं तक की क्लास एक ही कमरे के अंदर। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। 12वीं क्लास के नतीजे हिमाचल प्रदेश के 2019 में 12वीं क्लास के नतीजे आए थे 62%, 2020 में 76%। 55 सरकारी स्कूल ऐसे थे जिनमें एक भी बच्चा पास नहीं हुआ।
ये मैंने इंटरनेट पे देखा है। 55 सरकारी स्कूल ऐसे थे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसमें 10वीं और 12वीं क्लास में बोर्ड के पेपर में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। और अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल की है किसी ने, उस पीआईएल में उसने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी के अंदर एक सरकारी स्कूल को तोड़ के वहां पे मॉल बना रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस ने 30 साल राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल राज किया। इन्होंने क्या किया? शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। गलत तो नहीं कह रहा? अब आपकी मर्जी है, 5 साल और दे दो इनको, आपके बच्चों के 5 साल और खराब हो जाएंगे। अगर आज आपका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और आज आपने गलती करके बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे दिया, आपका बच्चा 12वीं क्लास पास कर जाएगा अगले चुनाव तक, फिर मौका नहीं बचेगा। मौका यही है, अगर आपने अपने बच्चों को बचाना है तो इसी बार बदलना पड़ेगा आपको, इसी बार बदलना पड़ेगा। 8वीं क्लास में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है वो 12वीं पास कर जाएगा, उसका भविष्य तो गया, उसका भविष्य कौन ठीक करेगा और उसका जिम्मेदार कौन होगा? मां बाप, क्योंकि उन्हें वोट उनको दिया। अभी तक तो हमारे पास मौका नहीं था, जैसे हमारे सुरजीत जी ने कहा, एक बार बीजेपी दी, एक बार करते क्या, मरते कभी बीजेपी को दे दो कभी कांग्रेस को दे दो। इस बार तो मौका है, इस बार तो अपने बच्चों को बचा लो, इस बार तो अपने बच्चों का भविष्य बचा लो। देखो जी, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, भगवंत भाई को भी नहीं आती। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। देश के लिए समर्पित हैं, देश के लिए हमारी जान भी हाजिर है। सुबह से शाम तक केवल हम यही सोचते हैं। पिछले 7 साल में दिल्ली में मैं काम कर रहा हूं और पिछले 3 महीने में आपने मान साहब की झलकियां देख ली कि किस तरह से रोज एक बार ये सुबह बैठ जाते हैं, एक बार एक सुबह अनाउंसमेंट आ जाता है पंजाब के अंदर, एक शाम को आ जाता है। इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी जी 2015 में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का यही हाल था जो हिमाचल प्रदेश के, और ज्यादा बदतर हाल था। टॉयलेट्स के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक बेचारी बच्ची अगर अपने घर से स्कूल आ जाए और उसको बाथरूम जाना पड़े तो वापस घर जाना पड़ता था, वो टॉयलेट नहीं जा सकती थी, इतना बुरा हाल था। किसी स्कूल के अंदर टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, दिल्ली सरकार के स्कूलों में पानी का इंतजाम नहीं था, जाले लगे पड़े थे दीवारों पे, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत चू रही थी, छत नीचे डेस्क नहीं थे, टाट पे बैठते थे बच्चे, घंटे भर आते थे फिर खेलते कूदते बाहर, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। बुरा हाल था एजुकेशन का, और सरकारी स्कूलों के नतीजे तो माशाल्लाह ना ही पूछो। टीचर्स आते थे घंटे भर के अंदर, वो भी घर चले जाते थे। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, अगर किसी के पास 2 पैसे आ जाए तो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहता है, वही हाल सरकारी स्कूलों का था दिल्ली के अंदर। जिसके पास, रिक्शे वाले के पास, मजदूरों के पास, मैं राजनीति में आने के पहले मैं एनजीओ में काम करता था, समाज सेवा का काम करता था, झुग्गियों, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था। उन झुग्गी बस्तियों के अंदर मैं देखता था कि एक रिक्शे वाला भी, एक मजदूर भी कोशिश करता था, यार एक टाइम का रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपने बच्चों को स्कूल, अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं, कोई सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। हमारी सरकार आई, हमने एक सपना देखा था, मैंने, मनीष सिसोदिया जी ने, हमने तय किया यार कुछ भी हो ये सरकारी स्कूल ठीक करने अपने को। दिल में ये सपना तो था लेकिन ये भी था कि करेंगे कैसे, होएगा कैसे, कर पाएंगे क्या। तो हमने आते ही तय कर लिया कि दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा पे खर्च होगा। सबसे पहले तो हमने ये अनाउंस कर दिया
कि दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा पे और आज तक चला आ रहा है। दिल्ली सरकार का 25% शिक्षा पे खर्च होगा, लगभग हर साल 10,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। 7 साल हो गए, आप कैलकुलेट कर लो, 80 से 85 हजार करोड़ रुपए हम शिक्षा पे स्कूलों पे खर्च कर चुके हैं। 80 से 85 हजार करोड़, और ये सारा पैसा खर्च करवाया है, ये मेरी जेब में नहीं गया, ये किसी नेता की अफसरों की जेब में नहीं गया, वहां से हमारी शुरुआत हुई। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने खराब थे, हमने सारी बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंगें बनाई हैं, शानदार बिल्डिंगें बनाई हैं, स्विमिंग पूल बनाए हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, लिफ्टें हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, बिल्कुल नए सारे, लगभग 1150-1150 स्कूल हैं, सारे नए स्कूल बना दिए हम लोगों ने, तोड़ तोड़ के नए स्कूल बनाए हैं। स्कूल बनाना तो आसान था, नतीजे लाना बड़े मुश्किल है। इस साल 12वीं क्लास में हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया 2019 में 62% नतीजे आए थे, दिल्ली के अंदर 99.7% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूल्स के 99.7% नतीजे। सुना था कभी भारत के इतिहास में 1947 के बाद से लेके आज तक मेरे को लगता नहीं किसी भी सरकार के टाइम में सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% आए हैं। जब हमारी सरकार बनी, मैंने बताया कि अगर किसी के पास 2 पैसे हो, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराता था। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी किसी के पास भी 2 पैसे हो, वो अपने बच्चे को निकाल के प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराना चाहता है। दिल्ली के अंदर हवा उल्टी बहने लग गई है। दिल्ली के अंदर 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करवाए हैं। भाई साहब, ये चमत्कार से कम नहीं है। 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया, क्योंकि सरकारी स्कूल इतने, और कई अमीर लोग अपने बच्चों के बड़े बड़े स्कूलों से नाम कटा रहे हैं। मैं और मान साहब, मैंने मान साहब को कहा कि अपने अफसरों को भी लेके आओ, थोड़ा सा इनका भी ओरिएंटेशन होना चाहिए, इनको भी लगना चाहिए कि दिल्ली में हमने क्या काम किया है। तो पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, ढिमका सेक्रेटरी, ये सारे मान साहब अपनी सारी फौज लेके अफसरों को आए, अफसरों की, हमने इनको स्कूल घुमाए दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल। तो एक क्लास में हम घुसे तो इनका एक अफसर बच्चों से पूछता है, बच्चे क्लास में बैठे थे, उन बच्चों से पूछता है, आप में से प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के कौन कौन आए? तो कई बच्चों ने हाथ उठाया, जी हम प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आए। तो उन्होंने एक बच्चे से पूछा, बेटा आप कौन से प्राइवेट स्कूल से आए? वो बच्चा कहता है सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है, सबसे, मतलब कहते हैं ना जिसमें कि एडमिशन लेना इम्पॉसिबल, सबसे शानदार प्राइवेट स्कूल है सेंट, सेंट कोलंबस से भी, डीपीएस से भी, इधर से भी उधर से भी लोग अपने बच्चों के नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। आज अगर कोई मेरे से पूछता है, अरविंद जी 7 साल में आपने सबसे अच्छा काम क्या किया? भाई साहब, हमने बच्चों के 16 लाख बच्चे मेरे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इन 16 लाख बच्चों की मैंने जिंदगी बना दी। अब आपसे एक मौका मांगने आया हूं, ये 8.5 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनकी भी जिंदगी बनानी है। बनानी है कि नहीं बनानी है? चाबी आप लोगों के हाथ में, आप ही कुछ कर सकते हो। आ रहा हूं मैं। अब मैं आपको बताता हूं, IIT का नाम सुना है सब लोगों ने? IIT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम माना जाता है। पहले 100 दुनिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में IIT आते हैं हमारे देश के। मैं भी IIT से हूं,
बड़ा मुश्किल है। मेरे को पता है मैं कितनी मेहनत करी थी, मैंने कितने रात दिन पढ़ना पड़ता है, बड़ी मुश्किल है। बड़े आपको जान के ताज्जुब होगा जी, पिछले 2-3 साल से 400 से ज्यादा बच्चे हर साल हमारे आईआईटी की परीक्षा पास कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूल के। हिमाचल प्रदेश के अंदर 55 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चा 12वीं पास नहीं कर रहा। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के स्कूलों के 400 बच्चे आईआईटी की परीक्षा पास कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं एक जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक बच्चा है राजीव राय, इसका इस साल आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल सरकारी, हमारे दिल्ली सरकार के 12वीं क्लास से पास हुआ, उसने परीक्षा दी और उसको आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके पिताजी एक छोटे से मैकेनिक हैं, सड़क के किनारे एक वो पॉलिथीन की शीट लगा के उसके नीचे बैठ के मैकेनिक का काम करते हैं सड़क के किनारे, जैसे वो रेडी पटरी वाले होते हैं उसी तरह के। 9,000 रुपए महीने मुश्किल से कमाते हैं, पिताजी तीसरी पास हैं, माताजी पढ़ी नहीं हुई, अनपढ़ है। ये लड़का आईआईटी गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इसको जो शुरुआती तनख्वाह मिलेगी, कम से कम 2,00,000 रुपए महीने की तनख्वाह इसको मिलेगी। अब आप सोच के देखो कि अगर दिल्ली सरकार के स्कूल अच्छे नहीं हुए होते तो क्या होता, क्या राजीव राय आईआईटी में जा सकता था? मैं इसकी काबिलियत पे वो नहीं कर रहा, हो सकता चला भी जाता, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जो सुविधाएं मिली और जो कुछ मिला, क्या राजीव राय जैसे इतने बच्चे जो आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या वो जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। वो मैकेनिक का बेटा हो सकता है मैकेनिक अपने पिताजी की दुकान में ही काम करने के लिए मजबूर हो जाता, हो सकता उसके पिताजी बीच में उसकी पढ़ाई छुड़वा देते, कहते बेटा पढ़ाई तो होती नहीं है तो टाइम क्यों खराब कर रहा है, मेरे साथ दुकान पे बैठा कर, 2 पैसे तो कमाएगा। ऐसे ही होता ना गरीब परिवारों में। क्या राजीव राय आईआईटी में जा सकता था? नहीं जा सकता था। ऐसे कितने ही बच्चे हैं, आप सोच के देखो, इन सब बच्चों के घरों की गरीबी दूर हो रही है। अब 1.5 लाख बच्चे हर साल मेरे 12वीं क्लास से निकलते हैं सरकारी स्कूलों में। इन 1.5 लाख बच्चों का पहले भविष्य अंधकार में था, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये 1.5 लाख बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा सारे इंजीनियर बन जाएंगे, इनमें से कई इंजीनियर बनेंगे, कई डॉक्टर बनेंगे, और इन बच्चों को हम बिजनेस करना सिखा रहे हैं 11वीं 12वीं क्लास में, मैं अभी बताऊंगा आपको। एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहने वाला, एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहने वाला, मैं शर्ती आपको बोल देता हूं। ऐसा तैयार कर रहे हैं हम इन बच्चों को, 1.5 लाख बच्चे, गरीबों के बच्चे, इन बच्चों का भविष्य बन गया। हमने एक, अब हमारे स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए, हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स आजकल स्कूल में शुरू किए हैं कि जब हमारे बच्चे स्कूल से निकले सरकारी स्कूलों से, वो एक अच्छा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने और अपना पेट पालने लायक बने। ये नहीं बीए कर ली, बीकॉम कर ली, एलएलबी कर ली और नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी ढूंढ रहे हैं सारे जने, नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई थी, अंग्रेज व्यवस्था बना के गए थे, सबको क्लर्क बना दिया, सारे देश को क्लर्क बना दिया, सारे क्लर्क बनने की नौकरी ढूंढ रहे हैं। अरे हमारे देश के अंदर इतना इंटेलिजेंस है, इतना हमारे देश के अंदर पोटेंशियल है, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, 11वीं और 12वीं क्लास के हर बच्चे को हमने 2,000 रुपए दे दिए सरकार की तरफ से, हर बच्चे को 2,000 रुपए दे दिए। हमने कहा अब इससे बिजनेस करो, कुछ भी सोचो कि क्या बिजनेस कर सकता हूं मैं। टीम बना लो, मान लो 4 बच्चों ने टीम बना ली तो 2,000 मिला के 8,000 हो गए, 8 बच्चों ने टीम बना ली 16,000 हो गए, अब तुम उससे बिजनेस करो। ऐसे बच्चों ने टीम बना बना के अपने बिजनेस आइडियाज किए हैं, 52,000 बिजनेस आइडियाज हमारे पास आए हैं, 52,000 इन स्कूलों में से।
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, आपको सुन के मजा आएगा। हर्ष एक लड़का है, इसने अपने 8 बच्चों को इकट्ठा किया तो 16,000 रुपए हो गए, 2,000 रुपए मिला के। ये 16,000 रुपए से इन लोगों ने एक नई किस्म की खाद बनाई, कूड़े से खाद बनाई नई किस्म की, और उस खाद को इन्होंने 16,000 रुपए की खाद बनाई, इसको बेचा, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जाके लोगों को कांटेक्ट किया, इन्होंने 6 महीने के अंदर 64,000 रुपए कमा लिए। 16,000 के 64,000 हो गए। फिर ये जितने बच्चे थे जिनके अच्छे अच्छे आइडियाज थे, हमने देश के कई अमीर लोगों को बुलाया एक 5-स्टार होटल में, और वहां हमने इन सरकारी स्कूल के बच्चों को कहा कि आप इनके सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करो। आपने टीवी में देखा एक बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम हमने किया था, बच्चों ने 11वीं 12वीं के हमारे बच्चे देश के सबसे अमीर लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप सोच के देखो क्या कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे बच्चों का। सरकारी स्कूलों के 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे बड़े बड़े अमीर लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, आप मेरे को इतने पैसे दो। उसमें कई बच्चों को इन्वेस्टमेंट मिली, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा मैं आपके आइडिया में इतने पैसे इन्वेस्ट करता हूं। हर्ष जिसका मैंने अभी बताया, इसके पिताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बहुत गरीब परिवार से आता है। इसकी 8 लोगों की टीम को 16,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मिली इंडस्ट्रियलिस्ट से। अब ये सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं भारत माँ का नाम रोशन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हमें हिमाचल प्रदेश के बच्चों को तैयार करना है कि नहीं करना है, चाबी आप लोगों के हाथ में है जी। अभी सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, एक बहन ने पूछा जी प्राइवेट स्कूल वालों ने बड़ी लूट मचा रखी है, खूब फीस लेते हैं। दिल्ली में भी यही था, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, और प्राइवेट स्कूल वालों को बताया कि जो मर्जी ले लो, माँ बाप की तो चलती नहीं है, कर क्या लेंगे बेचारे। कोई माँ बाप अगर थोड़ी सी आवाज उठाते तो धमकी देते हैं, तेरे बच्चे को निकाल देंगे स्कूल, ले जा अपने बच्चे को। माँ बाप को लगता है यार कहाँ मैं एडमिशन कराना, कोई आसान थोड़ी है आजकल प्राइवेट स्कूलों में। तो मजबूरी में सारे पेरेंट्स जो हैं वो, और सरकार क्या करती है, सरकार के आधे मंत्रियों के तो अपने ही प्राइवेट स्कूल होते हैं, होते हैं कि नहीं होते। बड़े बड़े स्कूल जितने ये सारे नेताओं के हैं, और या ये सारे नेताओं के साथ साठगांठ करते हैं, पार्टी में चंदा देते हैं ये लोग। हमारी पार्टी ईमानदार है ना, तो हमारे किसी मंत्री का स्कूल और ना हमारी पार्टी किसी प्राइवेट वाले से चंदा लेती। हमने दिल्ली में आने के बाद ब्लैंकेट बैन कर दिया, कोई फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। केवल बैन नहीं करा, हमने दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करा दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भेज भेज के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम बना दी, ऑडिट करा दिया। भाई साहब को जान के ताज्जुब होगा, कई दिल्ली के बड़े बड़े नाम लेना ठीक नहीं है, बड़े बड़े स्कूल ऐसे निकले 40 करोड़ 50 करोड़ की एफडी बना रखी है। अरे तुम एफडी बनाने के लिए स्कूल चला रहे हो, एफडी बना रखी है 50 करोड़ रुपए की एफडी बना के बैठे और फीस पे फीस बढ़ाए जा रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ हमने एफडी तोड़ाई, और पिछले 5 साल में जितने बच्चे स्कूल में पढ़े हैं सबके पैसे वापस कराए हमने, पैसे वापस कराए हम लोगों ने। कभी उस सुना है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के चेक वापस उनके अकाउंट में पैसे वापस आए? हमने फीस नहीं बढ़ने दी, 7 साल तो हो गए। अभी पंजाब के अंदर मान साहब ने सरकार संभाली है, अप्रैल के पहले हफ्ते में स्कूल फीस बढ़ाते हैं, इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए कोई फीस नहीं बढ़ाएगा कोई स्कूल। ये स्कूल वाले ये भी कहते हैं ना यूनिफॉर्म स्कूल से ही लेनी है, किताबें स्कूल से ही लेनी है, मनमर्जी कर रखी है इन्होंने, अनाप शनाप पैसे कम, इन्होंने ऑर्डर कर दिए कोई स्कूल से नहीं लेनी, जहां से मर्जी यूनिफॉर्म लो, कोई किताबें स्कूल से नहीं लेनी, जहां से मर्जी लो, और कोई फीस नहीं बढ़ाएगा। और अभी ये बता रहे थे पिछले हफ्ते कुछ स्कूलों ने इनके ऑर्डर की अनदेखी करके कल उन्होंने फीस बढ़ा दी, आज इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया सबकी फीस वापस कम करा दी इन्होंने। सरकार ईमानदार चाहिए,
सरकार जनता के प्रति जवाबदेह चाहिए। अगर ईमानदार सरकार आएगी मजाल कोई जनता को लूट ले। तो दोस्तों, मैं केवल दिल्ली के लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य केवल एक वोट से बदल लिया। एक वोट दिया था दिल्ली के लोगों ने 2014 में 15 में हमको। आज दिल्ली के लोगों का बच्चों का भविष्य बदल गया। अब दिल्ली की जनता ने बाकी सारी पार्टियों को, कांग्रेस के तो 0-0 सीट आ रही है हर बार, और बीजेपी वालों की पहले 3 आई, इस बार 8 सीट आई। जनता इतना प्यार करती है आम आदमी पार्टी से। आप भी अपने बच्चों का भविष्य बदल सकते हो, बटन दबा के। मान साहब कह रहे हैं पिछली बार जो बटन दबाते थे, बटन बदल दो, बटन दबा के। आपका अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। जैसा मैंने कहा कि टाइम, आप कई बार, कुछ लोग कहते हैं हाँ अरविंद जी अच्छा कर रहे हो, अगली बार देखेंगे। अरे मैं तो यही हूं, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? मेरा तो देख लेना, पहले अपने बच्चों का देख लो। मैं अपने लिए नहीं आया, मेरे को कोई इच्छा नहीं है। मैं इनकम टैक्स में पहले कमिश्नर की नौकरी किया करता था, अच्छा खासा काम कर रहा था। वो छोड़ के मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम करने लगा। कई साल झुग्गियों में काम किया मैंने। उसके बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, 49 दिन के अंदर कुर्सी छोड़ दी। मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में पहला एक मूर्ख मुख्यमंत्री मैं ही होऊंगा जो 49 दिन के अंदर। सत्ता के लिए नहीं आए हम, ये इनके इन प्रकारें सत्ता ले लो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पैसे बांट के, दारू पिला के, वो सब नहीं करते हम। दिल के अंदर देश धड़कता है हमारे, देश के लिए काम करें। तकलीफ होती है, अगर हमने 5 साल में दिल्ली के स्कूल ठीक कर दिए, ये कांग्रेस वालों ने 30 साल राज किया हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये नहीं कर सकते थे? 20 साल बीजेपी ने राज किया, ये नहीं कर सकते थे? अब ये आके कहेंगे एक और मौका दे दो, हम आपसे एक और मौका नहीं मांगेंगे। हम तो कह रहे हैं बस एक ही मौका दे दो, दोबारा मत देना। एक ही मौका दे दो, दोबारा मत देना। अभी एक भाई साहब बता रहे थे पेपर बड़े लीक होते हैं। भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है, मैं हरियाणा गया वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी खूब पेपर लीक होते हैं। गुजरात गया वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी खूब पेपर लीक होते हैं। सारे पेपर लीक दिल्ली में नहीं होते, क्या चक्कर है जी? पता नहीं लीक होते हैं या लीक करवाते हैं ये लोग। वो मैं हमेशा कहता हूं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है इनका नाम, बीजेपी वालों का। सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने वाली पार्टी पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्यों? इनकी नीयत खराब है। अंत पंत में सारी चीज इसी बात पे आ जाती है, आपकी नीयत कैसी है। इनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है। हमारे पेपर लीक नहीं होते, इनके सबके पेपर लीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, इस बात पे वोट मांगने के लिए आया हूं। और आज मैं चैलेंज करता हूं इन सारी पार्टियों को, हिम्मत है तो तुम शिक्षा के नाम पे वोट मांग के दिखा दो, हिम्मत है तुम रोजगार के नाम पे वोट मांग के दिखा दो। मैं शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, इसके नाम पे वोट मांगने के लिए आया हूं। जैसा मैंने कहा, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आपको गंदी राजनीति चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको भ्रष्टाचार चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको दंगे चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको गुंडागर्दी चाहिए, उनके पास चले जाना। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, मेरे पास आ जाना, मैं गारंटी देता हूं एक एक बच्चे का भविष्य बना दूंगा। तो दोस्तों, आपने इतना मौका उन लोगों को दिया, 30 साल कांग्रेस को दिए, 20 साल बीजेपी को दिए, एक मौका हमें भी देके देख लो, हम भी उतने बुरे नहीं हैं।